सो हेलो एवरीवन, ये व्लॉग डालने में मैं थोड़ी सी लेट हो गई हूँ बिकॉज काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल था, इस वजह से हम व्लॉग एडिट नहीं कर पाए थे। तो यहाँ पे हम निकल गए हैं हमारे लोकल मार्केट शॉप, जहाँ पर काफ़ी सारे दिए और बहुत सारे ऐसे डेकोरेटिव आइटम्स रहते हैं। और मैं आपको ये बोलूँगी कि आप इनके पास से भी लीजिए ताकि इनकी भी दिवाली खुशियों भरी हो जाए और उनको अच्छा लगे, उनके लिए भी पैसे आ जाए उनके पास। यहाँ पर हम सब सामान वगैरह खरीद लिए जो हमको दिवाली के लिए लेना था। और आज था पापा जी का बर्थडे, मेरे ससुर जी का, और हम हमेशा धनतेरस के दिन ही सेलिब्रेट करते हैं। तो हम छोटा सा केक लेके आए थे, काम की वजह से हम बहुत ज़्यादा बिजी थे ना, तो इसलिए हम ज़्यादा कुछ सेलिब्रेट नहीं कर पाए। यहाँ पे पापा हंस रहे थे क्योंकि मम्मी फूल छीट दी थी। फिर यहाँ पर आप हमेशा की तरह जानते ही हैं कि आज है धनतेरस, तो धनतेरस के दिन हम धनवंतरी भगवान की पूजा करते हैं। तो मैं उसके लिए ही ये सब चीज़ यहाँ पे भगवान का जो आसन है वहाँ पे सब कर रही थी तैयारी, जिससे थोड़ा जल्दी हो जाए पूजा, क्योंकि धीरे धीरे करते ना त्योहार के टाइम में इतना लेट हो जाता है। काम मिल के करे चाहे अकेले करे, काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है। फूल तो बहुत जा रहे हैं धनतेरस के लिए दिया जलाने, पूजा करने। यहाँ पे बन रहा है अभी नमकीन, और मेरे पति देव का डिमांड है कि इसको बहुत पतला करूँ, जितना पतला हो सकता है। ऐसे लंबा लंबा भी पतला ना, कहीं से भी पतला, किससे पतला, कहीं से भी पतला। और ये शायद ना नरक चतुर्दशी का दिन है, जिस दिन हम फिर मार्केट निकल गए, क्योंकि कितना भी सामान खरीद लो कुछ ना कुछ कमी पड़ती है। और यहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक, इतना ज़्यादा क्राउड था ना कि गाड़ी पे जाना तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत का काम था। और यहाँ पे एक कार घुस गई थी, यहाँ अलाउ नहीं करते हैं मार्केट एरिया पे कोई भी फोर व्हीलर गाड़ी है, ओनली आप टू व्हीलर आप ले जा सकते हैं, क्योंकि भीड़ लग जाता है और सब तरफ शॉप है और बीच रोड में भी लगाते हैं ना इसकी वजह से। और यहाँ पे आप देख रहे हो कितना ज़्यादा क्राउड है, सब चल रहे हैं, सब सामान खरीदने के लिए आ ही रहे हैं। देखो आपको मैं दिखा रही हूँ जूम करके कि कितना ज़्यादा क्राउड है। यहाँ पे हम और कुछ हमको दिए लेने थे वो हम ले लिए। काफ़ी अच्छा लगता है ऐसा माहौल, मतलब अच्छा लगता है त्योहार वगैरह में देखने के लिए मिलता है हमको, काफ़ी अच्छा लगता है ये सब चीज़ देख। और आप कोई शॉप वगैरह से ना लेके इनके पास से सामान लेंगे तो इनकी भी दिवाली अच्छी हो जाएगी, हम सबकी तरह इनको भी काफ़ी ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है। का आउटफिट है सिंपल सा, रेडी होना है इस बार क्योंकि थोड़ा सा हेक्टिक हो गया शेड्यूल। और ये मेरे पति देव का है, इसको आपने देखा होगा और मेरे ब्लॉग्स पे। अब जल्दी से होते हैं रेडी, मैं आपको फिर दिखाती हूँ आप क्या क्या करते हैं। अभी मेरा हेयर स्ट्रेट कंप्लीट हो गया है, अब मैं चलती हूँ अपने मेकअप प्रोसेस के तरफ। सो मैं यहाँ पे टोनर लगा चुकी हूँ, अब इसके बाद हम करते हैं मॉइस्चराइजिंग एंड सनस्क्रीन। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रही हूँ बिकॉज मेकअप को क्या ही दिखाना, और दिवाली थी तो ये जितने भी मेरे पास ना क्लिप रिकॉर्ड था मैं सबको एक साथ मिक्स कर दी हूँ। सो गाइस यहाँ पे मेरा बेस रेडी हो गया है, अब हम चलते हैं कंसीलर और फाउंडेशन की तरफ। मैं इतने फास्ट इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि जो भी दिवाली का हमारा सेलिब्रेशन है, पूजा पाठ एंड ऑल, वो हम आपको दिखाएंगे कि हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं। इसकी वजह से मैं आपको ना मेकअप जो है बहुत ज़्यादा फास्ट दिखा रही हूँ, क्योंकि मेकअप ऑब्वियसली सबको आजकल आता ही है, सब अपने हिसाब से कर लेते हैं। तो चलिए अब तैयार होते हैं, फिर मेरा लुक देखते हैं क्या आता है। और यहाँ पर हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। ये है दिवाली का दिन
और ये है ओली दिया, आपको पता ही होगा। तो मैं इसकी तैयारी कर रही हूँ, इसको डेकोरेट करने के लिए। हम घर के बाहर रख नहीं सकते बिकॉज गाय वगैरह आ जाते ना, तो पूरे फुल फ्लावर को खा लेते हैं। बट हम अपने घर पे रखते हैं अंदर पे कि फोटोज वगैरह खिंचा ले, थोड़ा अच्छा लगता है। ऐसा कुछ डेकोरेट करोगे तो अच्छा ही लगता है बहुत। और यहाँ पे ना सब मुझे पूजा का तैयारी अकेले करना रहता है, इसलिए थोड़ा लेट हो जाता है। बट फिर भी इस बार तो काफी ज्यादा ही जल्दी हो गया, क्योंकि इस बार मुहूर्त भी ऐसा था ना कि 2 दिन था। तो कोई 31 को मनाए हैं, कोई 1 को मनाए हैं, बट हम तो 31 को ही सेलिब्रेट किए। यहाँ पर आप देख रहे जो भी यहाँ पे पूजा का सामान है पूरा बिखरा कर रखे हैं। फिर इसके बाद मैं सबको साइड करूंगी बिकॉज इधर उधर हो जाता है, फिर बार बार उठना पड़ता है करके मैं सब फैला देती हूँ। फिर यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी आए, थोड़े बहुत हेल्प करते थे। यहाँ पे मेरे हस्बैंड फोटो शूट कर रहे थे, मैं इसलिए मैं हाथ जोड़ी। और ये यहाँ पे दिया जला रहे थे जो हम पूरे घर पे जलाते हैं, पूरा हमारे घर को जगमग किए। फिर ये दिया वगैरह रख कर आए। फिर उसके बाद हम यहाँ पर भी जो उल्ली दिया था उसको भी मेरे पति देव कुछ कुछ जलाए। और ये अच्छे से दिख नहीं रहे हैं बिकॉज कैमरा स्टैंड में लगा हुआ है, इसकी वजह से ही। और यहाँ पे ना हम कैंडल लेना भूल गए थे, इसकी वजह से मैच बॉक्स से ही हमको जलाना था, तो काफी ज्यादा टाइम लग गया हमको दिया जलाने पे। फिर यहाँ पर मैं बना रही हूँ स्वास्तिक, और यहाँ पे मैं कुछ गड़बड़ भी कर दी थी स्वास्तिक बनाने में, थोड़ा सा गलत कर दी थी। फिर यहाँ पे मैं एक दो कैंडल जलाई, फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड चलाए। यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा लगता है ये। आपको कैसा लगता है ये उल्ली दिया? और उल्ली दिया को ना आप कभी भी कहीं पर भी यूज कर सकते हो डेकोरेट करने के लिए, अपने रूम पे जैसे कोई आते हैं तो भी आप इसको डेकोरेट कर सकते हो। अगर आपको इसके लिंक चाहिए तो मैं आपको दे दूंगी, ये मैंने ना अमेजोन से परचेज किया हुआ है। उससे ज्यादा फ्रेग्रेंस तो वो मस्क वलन का आ रहा है, धूप अगरबत्ती का, मस्क वलन धूप अगरबत्ती, बहुत अच्छा खुशबू है उसका। तो मैडम बहुत तैयार हुई है और अच्छी भी दिख रही है, पसीना 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 है। चलो में जलाते नहीं नहीं जला लो पूरा। हैं, अभी मेरे को जलाने का मौका प्राप्त हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद। वाइफ जला अन्यथा रही है, अब कुछ हस्बैंड भी जलाएंगे। इधर देखो कैसा लग रहा है आपको, मेरे को बहुत बहुत अच्छा गर्मी लग लग रहा रही है, पसीने के साथ बहुत अच्छा लग रहा है अभी फिलहाल। लेकिन भगवान की सेवा करना है तो पसीना तो बहाना पड़ेगा। है। मैं कुछ फ्रेंड से शूट कर देती हूँ। तो तो मैडम जी अभी का उल्ली दिया अभी जला ही रहा हूँ मैं, थोड़ा दो और टाइम बच्चे हैं, लगता है लास्ट दो और बच्चे हैं लास्ट। उल्ली दिया का, थोड़ा एक्चुअली टाइम हम ना लगता है। कैंडल लेना भूल गए, मोमबत्ती, तो उससे और जल्दी हो जाता है। हाँ, पर ना मोमबत्ती थोड़ा का कैंडल से एक बार जला दो वो जलते रहता है। हम भूल ही गए उसको लेने के लिए, इतना गर्मी लग रहा है ना, क्या बताएं आपको। और चूंकि हम पूजा सो फाइनली अब इसमें हम फोटो शूट करा सकते हैं। अब देख रहे हो कितना प्यारा दिख रहा है जलने के बाद। तो उल्ली दिया को बाहर हाँ बाहर ले कहीं, क्योंकि बाहर में अच्छा दिखेगा ना, अच्छा गाय लगेगा। बोले मम्मी दो तीन बैठ बार गई है बोल रंगोली दिया। पे। गाय बैठ गई तुम्हारे रंगोली पे। पूजा करेंगे फूल फूल तो पीछे पता से नहीं।